Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is Fundamental of Computers for BBA 5th semester. And students, today our the most important topic is operating system. Students, operating system हमने BBA 5th semester में हमने start किया Fundamental of Computers अपने subjects में. और students, हमने इसमें operating system के बारे में हम students पढ़ रहे हैं कि भाई operating system के क्या functions होते हैं, उसकी क्या properties होती हैं. तो students, इससे पहले जो है हमने मल्टी प्रोग्रामिंग जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो स्टूडेंट हमने पढ़ा. तो स्टूडेंट आज हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है मल्टीटास्किंग क्या होता है और मल्टीटास्किंग का स्टूडेंट क्या एडवांटेज है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर में. ये स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा टॉपिक है इसका ये पार्ट थर्ड है. इससे पहले हम मल्टी प्रोग्रामिंग हम पढ़ चुके हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट मल्टीटास्किंग का स्टूडेंट क्या मतलब, जैसे स्टूडेंट क्या है कि मान लो आप कंप्यूटर बेसिस का नाम ही मल्टीटास्किंग, यानी कि बहुत सारे टास्क को इवेंट को कंप्यूटर पे एक साथ करना. तो स्टूडेंट अब देखिए इसमें स्टूडेंट जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि कंप्यूटर जो है मतलब जो काम, मतलब सपोज दैट आपने ईमेल खोल रखी, आपने जो है एमएस वर्ड एप्लीकेशन आपने खोल रखी है या आपने ब्राउजर ओपन कर रखा है, तो इसमें स्टूडेंट ये तीनों एप्लीकेशन जो है आपकी एक साथ जो है आपकी रन हो रही है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट क्या करता है कि इसमें से आप किसी भी एक टास्क पर आप अपने आप को स्विच कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों एप्लीकेशन एक साथ रन हो रही है आपके सिस्टम पर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है कि आप जो टास्क आप जिस टास्क पे आप रन होना चाहते हैं, जो टास्क आप मतलब चूज करते हैं, उसी टास्क को जो है वो सीपीयू में जो है वो भेज देता है और उसके द्वारा फिर मतलब जो है आप उसको मतलब उसको वो टाइम बाउंड कर देता है कि मतलब इस मतलब तीनों टास्क तो एक साथ चल रहे हैं, लेकिन जिस भी जिस इवेंट पर आप जाना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसी टास्क को जो है वो आगे उसको पहले रन करेगा, उसके बाद फिर दूसरे टास्क को जो है रन करेगा. तो क्या मतलब है कि मल्टीटास्किंग क्या है, मल्टीटास्किंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउइंग ए यूजर टू परफॉर्म मोर देन वन कंप्यूटर टास्क. मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट वो अलाउ करता है यूजर को कि वो एक ही समय पर कई सारे टास्क करे, परफॉर्म मोर देन वन टास्क कंप्यूटर टास्क एट ए टाइम, एक ही समय पर कई सारे टास्क को परफॉर्म करे. The operating system is able to keep track of where you are in these tasks and go from one to the task without losing information. Yes, most important. जैसे मान suppose that भाई आप mail खोल रहे हैं, तो आप जैसे mail जैसे आपने mail खोल रखी, mail पे कहने का फिर आप इस वक्त MS Word पर आ गए, तो जैसे ही आपने mail से आपने switch किया MS Word पर, तो इसके बीच में student ये जो मतलब task को क्या किया आपने switch किया, तो ये जो ability है ये operating system के द्वारा ही perform होती है. और जब आप task को जब आप event को जब आप switch करते हैं तो आपकी कोई भी information loss नहीं होती है. तो द ऑपरेटिंग सिस्टम एबल टू कीप ट्रैक ऑफ वेयर यू आर इन दीज टास्क एंड गो फ्रॉम वन टू द टास्क विदाउट लूजिंग इंफॉर्मेशन के आप जो है कई सारे टास्क को आप जो है कर सकते हैं. तो स्टूडेंट ये हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कि एक ही समय पर कई सारे टास्क को करना, मल्टीटास्किंग जैसे लिखा भी है. स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लेके मैंने स्टूडेंट यहाँ पर समझाने की कोशिश की है. व्हेन यू ओपन योर वेब ब्राउजर, यानी आप जब अपना वेब ब्राउजर ओपन करते हैं एंड देन ओपन है वर्ड एमएस वर्ड एट सेम टाइम यू आर कॉजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डू मल्टीटास्किंग. तो यही स्टूडेंट क्या है हमारा मल्टीटास्किंग हमारा कहलाता है. जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपने वेब ब्राउजर भी खोल रखा है और आपने उसी समय पर आपने जो है एमएस वर्ड भी खोल रखा है, तो आप जो है दोनों मतलब टास्क को आप परफॉर्म कर सकते हैं सेम टाइम पर. देखिए स्टूडेंट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी फंक्शनैलिटी है. आइए स्टूडेंट और जरा करते हैं डिस्कस मल्टीटास्किंग के बारे में. तो मल्टीटास्किंग इज सेम एज मल्टीप्रोग्रामिंग, मैनी ऑथर्स डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन मल्टीप्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग. देखिए स्टूडेंट मल्टीटास्किंग मल्टीप्रोग्रामिंग एक तरह से सेम है, लेकिन इसमें तो स्टूडेंट मल्टीप्रोग्रामिंग में मतलब क्या था कि मतलब उसमें हम क्या करते थे सीपीयू का यूटिलाइजेशन मतलब मैक्सिमम हुआ करता था मल्टी प्रॉब्लम, जिसमें स्टूडेंट क्या करते थे हम जो है जो हमारी जॉब्स है जो हमारे इवेंट है उसको वो क्या करता था स्टूडेंट शेड्यूल किया करता था. ठीक है ना, तो बिकॉज बोथ रेफर टू सेम कॉन्सेप्ट. हाउएवर सम ऑथर्स प्रेफर टू यूज टर्म मल्टी प्रॉब्लम फॉर मल्टी यूजर सिस्टम. सो मल्टी टास्किंग सिंगल यूजर, अब देखो मल्टी टास्किंग का स्टूडेंट जो इसमें जो है मान लो जैसे मान लो सिंगल एक तो इसको जो सिंगल टास्किंग और सिंगल
यूजर, मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर, यानी कहने मतलब यह है कि आप मल्टीटास्किंग यानी कई सारे टास्क को जो है वो मल्टी यूजर, यानी मल्टी यूजर कहने मतलब क्या, कई सारे मतलब जो है यूजर उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो हम सिर्फ बात करते हैं एमएस डॉस की, माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो उसको सिंगल यूजर सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग कहलाता है, और हमारे एमएस वर्ड हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है, IBM की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे OS 390, लिनक्स है, तो ये स्टूडेंट हमारे मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ओके, तो ये स्टूडेंट हमारा कहलाता है आपका मल्टी टास्किंग। तो स्टूडेंट मल्टी टास्किंग का स्टूडेंट मतलब ये कि हम जो है कई सारे प्रोग्राम को स्टूडेंट जो है हम कई सारे मतलब हम कंपाइल कराएं उनको एक साथ, तो इट इज तो प्रोसेस ओनली जॉब एट अ टाइम, तो ये है स्टूडेंट हमारा मल्टीटास्किंग। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको और स्टूडेंट हम जो है करते हैं क्लियर मल्टीटास्किंग को। जैसे स्टूडेंट हम बात करते हैं स्टूडेंट स्पूलिंग की, तो स्पूलिंग हैज इंट्रोड्यूस न्यू अप्रोच एज मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मोर मेमोरी बिकॉज अवेलेबल फॉर एक्सटेंडिंग द मल्टी प्रोसेसिंग टास्किंग इन मल्टी प्रोग्रामिंग। यस, मल्टी प्रोग्रामिंग स्टूडेंट आपने देखा कि सीपीयू को स्टूडेंट मोर मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है टास्क को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए। सो ऑपरेटिंग सिस्टम वुड लोड सेवरल जॉब्स इनटू मेमोरी एट वंस साइकिल, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ही समय पर कई सारे जॉब्स को जो है लोड करता है मेमोरी के अंदर, एंड स्पेसिफिक ऑर्डर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वायर वर्किंग ऑन ईच वन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकग्राउंड प्रोसेसिंग एज सीपीयू बाउंड प्रोसेस एंड फोरग्राउंड प्रोसेसिंग। तो स्टूडेंट ये जो है यानी कि ये जो है हमारा जो है मल्टी टास्किंग कहलाता है। तो टाइम शेयरिंग, अब देखो उसमें उसमें हम टाइम शेयर भी बोलते हैं स्टूडेंट, टाइम को शेयर करना मतलब एक टाइम पर एक आपकी जो है जो आपका इवेंट है वो रन हो रहा है। सो टाइम शेयरिंग इज बेसिकली एन अप्रोच फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग कैपेबिलिटीज इन ऑपरेटिंग सिस्टम। एज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड टू क्रिएट मॉनिटर्स स्टैक्स स्पूल एंड फाइनली मल्टी प्रोग्राम सिस्टम, देर आर रिक्वायरमेंट फॉर सेपरेशन बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्विचिंग बिटवीन द जॉब्स नाउ ऑफन कॉल्ड प्रोसेसेस। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्टूडेंट कई सारे जॉब्स के बीच में स्विच करते हैं। हमारे जॉब का मतलब क्या कि भाई आपने मेल खोल रखा है, आपने एमएस वर्ड खोल रखा है, तो ये क्या है स्टूडेंट, ये हमारा एक प्रोसेस है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको करता है। ओके स्टूडेंट्स, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्विचिंग बिटवीन द जॉब्स नाउ ऑफन कॉल्ड प्रोसेसेस। इफ द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अकर्ड क्विकली इनफ द यूजर एंड द इंप्रेशन and she had direct access to the computer. Interactive processes are given a higher priority so that when input-output request associated process is quickly given control of CPU so it can process it. It is usually done through use of an interrupt the process and computer can realize input-output event has occurred. तो स्टूडेंट ये एक बहुत ही स्टूडेंट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट हमारा जो है मल्टी टास्किंग का, कि जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे स्टूडेंट हम एग्जांपल बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट का जो कंपनी है जिसने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है उससे ज़्यादा यूज होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वो हमारा मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग कराता है। एमएस डॉस भी है, एमएस डॉस भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, लेकिन वो स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग है। फिर इसमें है हमारा IBM, तो IBM OS 390 और लिनक्स जो कि इस वक्त बहुत ही अच्छा मतलब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको स्टूडेंट लिनियस टोलवर्ड्स ने स्टूडेंट डेवलप किया, और ये स्टूडेंट फ्री है, आप इसको जो है इंटरनेट से डाउनलोड करके आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट हम हर एक जो है इसमें हम कमांड के द्वारा अपने कई सारे टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम स्टूडेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, भाई कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और उनके क्या क्या उनके नाम है, क्या क्या उनकी वर्किंग है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट टू टाइप्स की मल्टी टास्किंग होती है, एक होती है स्टूडेंट हमारी प्रीएम्प्टिव मल्टी टास्किंग, दूसरी स्टूडेंट हमारी होती है कोऑपरेटिव मल्टी टास्किंग। तो प्रीएम्प्टिव मल्टी टास्किंग और कोऑपरेटिव स्टूडेंट मल्टी टास्किंग हमारी क्या कराती है देखिए, तो द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम बात करते हैं प्रीएम्प्टिव मल्टी टास्किंग। तो देखिए प्रीएम्प्टिव मल्टी टास्किंग स्टूडेंट क्या है कि जैसे मान लो हम एक जॉब हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, तो स्टूडेंट जब तक हमारी पहली जॉब स्टूडेंट एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी मतलब वो पूरा टाइम जो देगा वो पहली वाली जॉब को एग्जीक्यूट करने में लगेगा जो भी आप काम कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि और जब तक दूसरी जॉब पर नहीं जाएगा, जब यानी दूसरी जॉब पर स्विच नहीं करेगा तब तक पहली जॉब आपकी कंप्लीट ना हो जाए। तो क्या है प्रीएम्प्टिव मल्टी टास्किंग, क्या है ओएस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पार्सल आउट सीपीयू टाइम स्लाइसेस टू ईच प्रोग्राम, मतलब हर एक प्रोग्राम को स्टूडेंट क्या क्या करता है टाइम शेयरिंग करता है। टाइम शेयरिंग करना कि मतलब इस
जॉब के लिए ये टाइम दे रहे हैं, इस जॉब में इतना समय लगेगा, तो कहना मतलब ये है कि मतलब जो टास्क है उसके बीच में वो स्विच करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पार्सल्स आउट सीपीयू टाइम स्लाइसेस टू ईच प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम के लिए जो है वो टाइम को जो है स्लाइस करता है ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर पाए। फिर दूसरा दूसरे टाइप की सॉफ्टवेयर जो मल्टीटास्किंग वो सॉफ्टवेयर हमारी आती है कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। ओके सर, तो सॉफ्टवेयर कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग हमारी क्या कहलाती है, ईच प्रोग्राम कैन कंट्रोल द सीपीयू फॉर एज लॉन्ग एज इट नीड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब हर एक प्रोग्राम जो सीपीयू को कंट्रोल करता है जब तक उसका जो समय है एज लॉन्ग एज नीड, यानी जब तक उसको उसकी आवश्यकता है जितने समय तक वो रन करेगा। एंड रन करंटली टास्क, यस मोस्ट इंपोर्टेंट, करंटली टास्क को रन करेगा एंड टू रिलीज द सीपीयू टू अलाउ अनदर टास्क रन, और सीपीयू को स्टूडेंट रिलीज कर देगा ताकि वो है वो दूसरे टास्क को रन कर सके। तो ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि भाई प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग में क्या करता है कि वो हर एक जो जॉब है, हर एक मतलब टास्क है उसको मतलब जो है टाइम शेयरिंग कर देता है जब तक वो पूरी कंप्लीट नहीं होती। लेकिन प्रीएम्प्टिव में क्या करता है कि करंट टास्क को रन करता है और फिर करंट टास्क को रन करने के बाद सीपीयू को रिलीज कर देता है दूसरे टास्क पर जाने के लिए, दूसरे टास्क को रन कराने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो टाइप की मल्टीटास्किंग हम यूज करते हैं, प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग और कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग, दो प्रकार की मल्टीटास्किंग हमारी यूज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। और स्टूडेंट देखिए, ये असेसमेंट हम जो है बात करते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर स्टूडेंट ये काफी हद तक स्टूडेंट डिपेंड करता है कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट ये वर्क हमारे करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो सब सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये मल्टी प्रोमिंग है, मल्टी टास्किंग है, ये स्टूडेंट क्या कराती है, ये हमारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है प्रॉपर्टीज कराती हैं जिनका हम स्टूडेंट यूज करते हैं। ठीक है ना, अब दो जैसे कि मान लो हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, विंडो 98 का यूज करते हैं, विंडो 98 स्टूडेंट क्या है हमारा जो है मल्टी टास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट देखिए मैं जैसे मान लो बात करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें स्टूडेंट हम कई सारी कमांड का यूज करते हैं, ये हमारा जो है कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऐसे ही स्टूडेंट हमारा यूनिक्स है, तो यूनिक्स भी हमारा स्टूडेंट क्या है, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है हमारा, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग हमारा कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला फिर और भी हमारे स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज भी हमारा मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग कहलाता है, जिसका स्टूडेंट हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए। लिनक्स भी स्टूडेंट हमारा जो है विंडो टास्किंग मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग कहलाता है, विंडो नेट भी हमारा मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें एक हमने क्या किया स्टूडेंट, वर्ड ईमेल वेब ब्राउजर, ये तीनों हमने जो है एक साथ हमने एप्लीकेशन अपने सिस्टम में खोल रखी है और ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो स्टूडेंट क्या किया, इसने तीनों को कंबाइन किया, कंबाइन करके इसने सीपीयू को मतलब भेज दिया, और जो यानी कि तीनों टास्क अभी ओएस क्या करेगा, इन तीनों को मतलब जो है तीनों टास्क को अपने पास इसने अपने पास जो है मेमोरी में रख लिया है, अपने सीपीयू में मतलब यूटिलाइजिंग कर लिया है। और जो टास्क आप करना चाहेंगे, आप वर्ड खोलना चाहते हैं, ईमेल खोलना चाहते हैं, वेब ब्राउजर खोलना चाहते हैं, तो जिस पे भी आप करेंगे उसी टास्क को ये सीपीयू को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आज हमने मल्टीटास्किंग का स्टूडेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में स्टूडेंट ये आता भी है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है क्या फंक्शंस हैं, तो स्टूडेंट आप उसको देखिए और स्टूडेंट देख के इसके नोट्स बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।